से ली गई तस्वीर से इस वक्त अगर दुनिया का कोई हिस्सा सबसे ज्यादा चमकता नजर आ रहा है तो वो है इंडियन आइडल का ये सेट। आज जितने सितारे यहां आए हैं उतने सितारे शायद आसमान में भी नहीं है, और ये सब इसीलिए क्योंकि आज हम पहली बार पेश करेंगे दुनिया के उस इकलौते रियलिटी टेलीविजन शो के सुपर 15 को, जो शो लगातार पिछले 3 सीजन से बना ब्लॉकबस्टर और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। पर आपको ये भी बता दें कि आज की रात स्वागत सिर्फ आइडल के सुपर 15 का नहीं हो रहा है, ये स्वागत हो रहा है म्यूजिक के नए दौर का, मेलोडी के नए जमाने का। और इस बात का वर्डिक्ट ऑलरेडी लोगों की जुबान पर है दैट इट्स द THTA टैलेंट हो तो ऐसा। और तभी ये आइडल के सुपर 15 के लिए है कभी ड्रीम में भी ना सोचा वो ड्रीम डेब्यू। इससे बड़ा डेब्यू आज तक किसी सिंगर का हुआ है? एब्सोल्युटली नहीं हुआ। एब्सोल्युटली नॉट। नेहू के लिए तालियां। क्या लग रही है नेहू? ओह माय गॉड। हाय विशु सर। क्या लग रहे हैं विशु सर? विशु सर के लिए तालियां। और HR इतने हॉट लग रहे हैं कि यहाँ का AC भी काम नहीं कर रहा है। I'm sweating। हमें भी तो तालियां बजानी है हमारे टॉप 15 के लिए। कहाँ यार आदि? आपको बता दें कि आइडल 13 में आपको पूरे 13 के 13 नई चीजें देखने मिलेंगी, जिसमें एक है ये इंडियन आइडल के रंगों में सजा आइडल ब्लू रूम। आदि, यू नो जैसे प्राउड पेरेंट्स होते हैं ना, और उनके बच्चे कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे होते हैं, उस पेरेंट की तरह मैं आज नर्वस फील कर रही हूँ फॉर आवर कंटेस्टेंट्स। यहाँ से म्यूजिक का भविष्य डिफाइन होगा, इस स्टेज से आज जो होगा इस स्टेज पर। इस लेवल का ड्रीम डेब्यू इतने रियलिटी शोज जज करने के बाद मैंने तो नहीं देखा, और इसीलिए शैंपेन की जगह ग्रीन टी पीऊंगा। अब वो जो 11 बजे उठते हैं ताकि 11:15 बजे फिर से 6-7 घंटे के लिए सो सके। आज सब इनको इतना कुंभकरण बोलते हैं कि ऊपर असली कुंभकरण ने इनको इंस्टा पे DM किया। उन्हें अपन का टाइटल छीन कर अच्छा नहीं किया बिड़ू, अब उनकी तो इज्जत ही नहीं रही। अभी भी सो रहे होंगे हमारे स्लीपी बॉय प्रीतम रॉय। Good night, sir. अभी तो जागे हुए हो ना? हाँ, अभी जागे। इस वक्त तुम नींद में तो नहीं हो? नहीं, अभी नींद में नहीं है, बट कुछ देर पहले था। All the best, प्रीतम। Dream debut है, dream में debut नहीं है, dream debut है। प्रीतम के लिए एक बार जोरदार तालियां। Thank you so much. तो शर्मा गया।
शबनमी पहले नहीं थी चांदनी ओ यूं शबनमी पहले नहीं थी चांदनी जागे हुए रहते हो, लेकिन उस कुछ वक्त में जब तुम नहीं सोते और तुम गाते हो तो पूरी दुनिया को जागने पर मजबूर कर देते हो। तुम्हारी आवाज में वो बात है। कंग्रेचुलेट यू, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत मीठी आवाज, ये तो पता ही है हमको, लेकिन इतनी इतनी सफाई से इतना कलाकारी, इट्स इनक्रेडिबल। और मतलब इट्स जस्ट योर ड्रीम डेब्यू, तो आगे आगे क्या होगा? प्रीतम आप बहुत ही समझदार सिंगर हो, बहुत शार्प सिंगर हो प्रीतम, आपसे ना बच के रहना पड़ेगा बाकी सिंगर्स को। यू आर सो स्मार्ट, सो शार्प, आपके डायनामिक्स एक तो बड़े प्यारे लगाते हो आप, टू गुड टू क्लीन, एंड फॉर दैट प्रीतम आपने मौसम बदल दिया। थैंक यू सो मच। वेल डन प्रीतम, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। अब आज अपना ड्रीम डेब्यू करने आ रही आदर्श बेटी विदिप्ता चक्रवर्ती। बहुत ही अच्छी लग रही हैं आप, तैयार लग रही हैं एकदम, आपके पेरेंट्स वहां पर बैठे हैं। वैसे सर और मैम आप दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, एक बार इनकी खूबसूरती के लिए तालियां। क्या लग रहे हैं, क्या जच रहे हैं? हमने उनको पूरा सजाया क्योंकि आज इतना बड़ा सेलिब्रेशन है, तो हम इतना अच्छे से सुंदर लग रहे हैं, सब बोल रहे, तो मम्मी पापा को भी सुंदर लगना चाहिए ना, तो इसीलिए हमने उनको
सजाया है। और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आप लोग, एकदम ड्रीम डेब्यू परफॉर्मेंस के लिए तैयार लग रहे हैं, मम्मी भी, पापा भी और विदिप्ता भी। और आज विदिप्ता जो गाना गाने वाली हैं, वो सुभाष घई सर द शोमैन का एक आइकॉनिक गाना है। और द शोमैन के सामने आप अपने ड्रीम डेब्यू परफॉर्मेंस में उन्हीं का गाना उनके सामने परफॉर्म करने वाली हैं। नो प्रेशर एट ऑल। विदिप्ता के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। वो ना हम ना कह रहे थे कि ये जो कपड़े हमने पहने हैं ना, ये हमने नहीं बनाए हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हो विदिप्ता, बहुत ही खूबसूरत। एंड जिस तरह से आज आपने गाया, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। 17 साल की उम्र में आप इतना पुराना लेजेंडरी गाना आप गा रही हैं और इतने अच्छे से गा रही हैं, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई। थैंक यू, ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच। बड़े से बड़े लोग यहाँ पर आए हैं कि आप लोग आगे चलकर इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनेंगे, और वो अपने आप में उन्हीं लोगों के लिए हो सकता है जो बहुत ग्रेट गाते हों, और उस लेवल का ये परफॉर्मेंस था, फैंटास्टिक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। विदिप्ता,
आपने तो मुझे बहुत साल पहले पहुंचा दिया। फिर मैंने यानो दादा जी को बोला कि आपका ये गीत आपको नहीं मेरी फिल्म को भी बहुत उठाएगा। और यही बात मैं आज विधिवता आपसे दोहराता हूँ, क्योंकि जब मैंने देखा कि आप अपने माता पिता के पांव छूने गए, तो आप में एक अपना संस्कार है और कला हमेशा संस्कारी लोगों को ही मिलती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जब भी मैं किसी नए टैलेंट को देखता हूँ तो मैं उसको बड़ा गौर से देखता हूँ, और मेरे अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं, कभी गलत भी होती हैं कभी सही भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर सही होती हैं। क्या आप हीरोइन बनना पसंद करेंगी? मैंने जब भी किसी हीरो या हीरोइन से पूछा है, चाहे वो जैकी श्रॉफ थे या महिमा चौधरी थी, तो मैंने जब उनसे पूछा क्या आप हीरोइन बनना पसंद करेंगे, तो उनका जवाब ये होता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, और बाद में हुआ, और यही शायद आपके साथ हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुभाष जी, मैं आपकी हीरोइन बनने के लिए तैयार हूँ, जब भी आप चाहें। You can call me. वो समय आने वाला है जब लड़के लड़कियों के रोल करना शुरू कर देंगे। Very well done, विदिप्ता, मजा आ गया। एक बार विदिप्ता के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आदि, लेकिन एक स्पेशल रिक्वेस्ट मैं सुभाष जी से जरूर करना चाहूंगा कि आज तो हमारे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए ड्रीम डेब्यू में द ग्रैंड द शोमैन सुभाष जी यहाँ पर आए हैं, लेकिन अगली बार पूरे सुभाष गाइस स्पेशल में उन्हें यहाँ पर आना ही होगा। सर, आपसे कमिटमेंट ले रहे हैं हम इंडियन आइडल में। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि मैं यहाँ पर। अब शो को आगे बढ़ाते हैं, ये तस्वीर गौर से देखिए। मलाइका अरोरा और नौरा फतेही, जजेस क्या बता सकते हैं कि ये दोनों सुंदर बालाएं किसके लिए इतनी सजी धजी, उत्साहित और उत्तेजित दिखाई दे रही हैं? Any guesses? मैं बताता हूं, जब से हमारे एक सिंगर की तस्वीरें मलाइका ने देखी है, मैं वो तस्वीरें दिखाता हूं, देखिए। पापा शिवम की तस्वीर देखकर, मतलब ये वो भी ये तस्वीर माइंड ब्लोइंग। जिनकी ये तस्वीरें देखकर मलाइका हो चुकी हैं इनके लिए क्रेजी, आज अपना ड्रीम डेब्यू करने आ रहे हैं द सेक्सीएस्ट बॉय अलाइव ऑन प्लैनेट अर्थ, पापा शिवम। पापा जी, क्या हाल है? पेरिफोना पापा जी, हाउ यू डूइंग ब्रो? नेहू विशु, बहुत बढ़िया। आदि कुछ भी बोले उससे पहले 1 2 3 गो। जितनी पावन भूमि से ये आते हैं, उतने ही पावन आवास के किंग आज अपना ड्रीम डेब्यू करने आ रहे हैं, ऋषि सिंह। यार, आप इतने कम समय में इतने पॉपुलर हो गए हैं, पता है सोशल मीडिया पे आपके क्लिप्स वायरल हो गए हैं, कैसा लग रहा है आज ड्रीम डेब्यू पे अपना पहला परफॉर्मेंस देने वाले हैं? आदि भैया, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोग इतना मुझे पसंद करेंगे, और इतने छोटे से शहर से मैं इतना बड़ा सपना जो लेके इधर आया हूँ, और इतनी बड़ी तरीके से पूरा होगा मुझे नहीं भरोसा था हमें, तो हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऋषि, मैं आपको बता दूं कि आपका जो पहला ऑडिशन परफॉर्मेंस था वो इस कदर वायरल हुआ है।
जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया कि जहां मिल गया एक भटके हुए राही को विनीत बहुत अच्छा गाया यार थैंक यू सर क्या बात है थैंक यू सर वाह 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 इसके गाने से एक बात याद आई जब तीर कमान से छोड़ना होता है ना तो पहले आदमी निशाना लगाता है फिर खींचता है तो उस वक्त वो पीछे ही जाता है मगर जब वो तीर निकलता है और निशाने पे पहुंचता है ना तो यूं समझ ले कि अब हम दोनों को पीछे आना है ये मगर निशाना एकदम परफेक्ट लगाना है yes, sir. खामोशियों की गूंज सुनी तुमने विशाल इस ग्रेट परफॉर्मेंस के बाद जो गूंज थी इस परफॉर्मेंस की वो मुझे लग रहा है कि एपिसोड के फिनाले हो जाएंगे लेकिन विनीत और इस्माइल दरबार साहब और ये ग्रैंड म्यूजिशियंस का ये परफॉर्मेंस वो कभी भूले से भी नहीं भूलेगा आउटस्टैंडिंग हम दिल दे चुके सनम में जो म्यूजिक उन्होंने दिया है उसके आसपास
किसी का जाना पॉसिबल ही नहीं है. वो सब मानते हैं, हर म्यूजिशियन, हर म्यूजिक डायरेक्टर, हर सिंगर इस हिंदुस्तान का मानता है कि चाहे उन्होंने कम काम किया है लेकिन वो इतना लेजेंडरी काम किया है कि चाहे सदियों 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 बीत जाए वो नाम वो काम उनका हमेशा याद रहेगा. और तुम्हारी पूरी सक्सेस का श्रेय मैं इस्माइल भाई को देता हूँ. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू यार. गॉड ब्लेस यू. लेजेंड्स कभी भी ऊपर से नीचे नहीं जाते सर, वो हमेशा ऊपर ही रहते हैं और आप हमेशा वहीं रहेंगे और हम सबके दिल में आपने जगह बनाई हुई है सर, वो हमेशा रहेगी. विनीत, आज मैंने वो फील किया विनीत कि आज तुम अपने होम ग्राउंड में परफॉर्म कर रहे थे, आज तुम अपने घर में थे. थैंक यू विनीत. इज बैक. ये 2022 का विनीत सिंह है, यहाँ से सिर्फ आगे ही जाएगा. हाँ, थैंक यू सो मच. क्या बात है, वाह वाह. विनीत सिंह, तुमने मौसम बदल आप जैसे मिलते हैं खूबसूरत लड़कियों को. यस मैम. सुनने में आया आपको वो रिजेक्ट कर देती हैं. यस मैम. क्यों ऐसा क्यों हो जाता है? मैम पता नहीं मैम, पसंद आती हैं, मतलब प्यार होता है, बट क्या वो ढूंढती हैं मेरे में वो उनको मिलता नहीं है मैम. तो यू नो व्हाट एचआर, मुझे ऑडिशंस का तो पता नहीं क्योंकि ऑडिशंस में बहुत सारे लोग थे, उनमें से एक एक करके ढूंढना मुश्किल था. बट अभी हमारे टॉप 15 में इतनी खूबसूरत प्यारी प्यारी कन्याएं हैं. मेरा दिल धक 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 करता है. लिटिल क्रश हेयर एंड देयर, कुछ तो हुआ होगा ना? वैसे मैम हम जुहू बीच गए थे सारे मुल्क है, तो वहाँ पर मैंने किसी को मतलब प्रपोज किया अपने कंटेस्टेंट में से ही. अच्छा. हाँ. वाह. हमारे टॉप 15 में. हाँ. हमारी नाक के नीचे से इसने लड़की को प्रपोज कर दिया, पता ही नहीं चला. किसको प्रपोज किया? So, थोड़ा नाम लेने में थोड़ा. मैडम ने हाँ बोल दी है तो मैं नहीं पूछूंगी कौन है, बट अगर अगर रिजेक्ट हो गए तो बता दो ना कौन यार है. नहीं यार एक मिनट है, तुम बार बार नहीं, ये बार 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 तुमसे बात कर रही है, रिजेक्शन पे वो स्माइल करती है, तुम इतने मजे क्यों ले रही हो यार? ये मजा ही इन सब में है. बट फिलहाल इस बार किससे रिजेक्ट हुए बताओ ना. क्या कॉन्फिडेंस है तो उसका नाम मैम, उसका नाम मैम काव्या है. तो काव्या ने फिर आपने काव्या को प्रपोज किया जो बीच जाकर, तो फिर क्या जवाब आया? ए आदि सुनो ना. हाँ बोलो. मेरा ना बहुत मन कर रहा है कि मैं ना रिजेक्शन अब होएगा. ठीक है यार, मतलब हो जाता है, एक बार काव्या से भी तो पूछे उसने रिजेक्ट कैसे किया. हाँ है ना काव्या. हाय काव्या. अब हो ही रही है बेइज्जती तो ठीक से होए ना. पहले तो काव्या आप बताइए कि भाई साहब ने प्रपोज करते वक्त कहा क्या, किया क्या, ये बताइए, फिर आपने रिजेक्ट क्यों और कब कैसे किया ये बताइए. अच्छा सर, जब हम सब जुहू बीच गए थे तो मैं सी की तरफ जा रही थी, मुझे पानी में खेलना था, तो मैं अंदर गई और वो मेरे पीछे 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 आ रहा था, तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है. तो पीछे आता गया आता गया, फिर मैंने पूछा यार तुम ठीक हो? तो बोला बिल्कुल नहीं. चेहरे में तेरे लाख बातें हैं. तो मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. मैंने बोला सीरियस है? उसने बोला हाँ बहुत सीरियस है.
तो उसके बाद उसे धीरे 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 करके बताया कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो वगैरह वगैरह क्या उसने कहा तुम दिल की बहुत साफ हो, बहुत प्यारी हो। इतने दिनों में दिल के अंदर झांक के पूरी सफाई देख ली। उसने कहा तुम सबसे अलग हो इसलिए मुझे तुम सबसे अच्छी लगती हो वगैरह 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 वगैरह। तो फिर आपने क्या कहा? सर मैंने कहा थैंक यू सर। ड्रीम डेब्यू करने आ रही हैं सेन गुप्ता संचारी। बाप रे, ये क्या था? My God, क्या टैलेंट है मैम। Thank you. Amazing. As in, no words. Sorry, I'm just stunned. Amazing, amazing. What a talent. And still, I don't know what to say. Okay, I'm giving to sir. तो इनको यहाँ पे जीतना पड़ेगा, मुझे इनको ले जाने के लिए साउंड स्टूडियो की। क्या बात है, अभी लेके जाइए सर, जाइए। आप चलिए मेरे साथ। हो गया। थैंक यू सो मच। इट इज अनबिलीवेबल मम्मे। कुछ मतलब की के बाहर कुछ बचता है या कहाँ जाती हो तुम? तुम्हारा कहाँ चला जाता है ऑक्टेव? ओ माय गॉड, कैसे करती हो? हो जाता है, हो जाता है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है।
You nailed it. Congratulations. Thank you so much. Woohoo! Superb. Superb. एक बार जोरदार तालियां हो जाए संचारी के लिए. Thank you. All the best. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.